सूने शहर और बस्ती हो गई, बस्ती में कैद हर हस्ती हो गई, आज फिर जिंदगी महंगी और दौलत सस्ती हो गई। समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, कितने मजबूर हो गए हैं ना। समय काटे नहीं कटता, घर के दरवाजे से ताला नहीं हटता। दोस्त इस समय में मजबूर नहीं, मजबूत बनो, तरकीब लगाकर तकदीर बनाओ। ये 21 दिन खास हैं, कितना सारा समय तुम्हारे पास है, बस ये 5 बातें याद रखना। पहली बात, लोहा कोई खराब नहीं कर सकता, पर उसका खुद का जंग उसे खराब कर देता है। वैसे ही इंसान को उसका खाली दिमाग बर्बाद कर देता है। तो इन 21 दिनों में खुद के दिमाग को खाली ना रखें, कुछ नया सीखें, कुछ अच्छा पढ़ें। दूसरी बात, 21 दिन का चैलेंज लीजिए, अपनी किसी बुरी आदत को छोड़ने की कोशिश कीजिए, एक गोल सेट कीजिए। अगर प्रॉब्लम पर फोकस करोगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन अगर गोल पर फोकस करोगे तो प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाएगी। ये कायर लोगों की सोच है कि क्या करेंगे ज्यादा करके जब खाली हाथ ही जाना है, और ये कामयाब लोगों की सोच है कि जब मरना ही है एक दिन तो क्यों ना कुछ बड़ा करके मरें। तीसरी बात, इन 21 दिनों में अकेलेपन को अपने ऊपर हावी ना होने दें। दोस्तों अकेलापन हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है वो ना परिस्थितियों का रोना रोता है, ना बहाने बनाता है, वह परिस्थितियों के अनुसार ढलकर अपने लिए रास्ते बनाता है। इस आपदा में एक अवसर देखो, अवसर खुद को निखारने का, अवसर खुद को पहचानने का, अवसर अपने हुनर को निखारने का, कुछ नया सीखने का, कुछ बुरा छोड़ने का, ये आपके संयम की परीक्षा है। चौथी बात, ये इस दुनिया का कड़वा सच है कि आसमान की ख्वाहिश रखते हैं वो लोग जिन्हें जमीन से जुड़ना तक नहीं आता, खुद किसी काबिल नहीं और परिंदों से कहते हैं कि तुम्हें उड़ना नहीं आता। दोस्तों अपने विचार ऐसे रखें कि आपके विचार पर दूसरों को विचार करना पड़े। पांचवी बात, चारों ओर बस यही शिकायत सुनने को मिलती है कि संसार बहुत बिगड़ गया है। ये कोई नहीं कहता कि मैं बहुत बिगड़ गया हूँ। दूसरों को सुधारने के लिए तो सब सोचते हैं, स्वयं को सुधारने के लिए कोई नहीं सोचता। हमेशा ऐसी सोच रखें कि दुनिया सुधरे ना सुधरे मैं खुद को सुधार लूंगा, दुनिया सुधरे ना सुधरे मैं खुद को बिगड़ने नहीं दूंगा। आप अगर ऐसी सोच रखेंगे तो आपको देखकर दूसरों में भी सुधार की भावना आएगी। दोस्तों वीडियो के अंत में एक निवेदन करना चाहूंगा कि मास्क पहनना वेंटिलेटर पहनने से ज्यादा बेहतर है, घर में रहना आईसीयू में रहने से ज्यादा बेहतर है, हाथ धोना जिंदगी से हाथ धोने से ज्यादा बेहतर है, बीमारी से बचकर रहना उसके इलाज से ज्यादा बेहतर है। दोस्तों ये जिंदगी की ऐसी पहली रेस है जिसमें घर में रुकने वाला ही जीतेगा। हालात सुधर जाएंगे, हम मिलकर ये जंग जीत जाएंगे, न शहर वीरान रहेंगे, न सड़कें सुनसान रहेंगी, रौनक फिर से खिल जाएगी, खुशियां फिर से मिल जाएंगी, डर को अब दूर ले जाएंगे, हम सब मिलके ये जंग जीत जाएंगे। मरहम लगा सको तो किसी गरीब के जख्मों पर जरूर लगा देना, हकीम बहुत है बाजार में अमीरों के इलाज की खातिर। अगर इन शब्दों से सहमत हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और खाली समय में सुनिए कुछ अच्छा खबरी प्लेटफॉर्म पर मेरी आवाज में सुनिए जिंदगी को बदल देने वाली मोटिवेशनल कहानियाँ। मेरी लेटेस्ट कहानी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, सुनिएगा जरूर। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज़।